किया। मैं भी एक शहीद का दर्जा लेके गए तो लोग छुप के अपने घर में बैठे हैं और किसान कौम के लिए कहते हैं इनने मिला गया था हमने मिल जाएगा। ऐसे लोगों को सरकार कानून लाती है, आप लोग धरने पर बैठते हो। हमारी जो भारतीय की जो संगठन है भारतीय किसान एवं लोक शक्ति उसका ये वादा है, हमने सदस्यता अभियान चलाया है, आपके साथ हजारों लोग जुड़ चुके हैं और जिस दिन 20,000 लोग दादरी के अंदर जुड़ जाएंगे, दादरी का प्रशासन और हरियाणा की जो सत्ताधारी दल है उसको एक मिनट लगाएंगे दुकाने में। ये हमारी भाइयों की ताकत है, दिन रात हम काम करेंगे और हरेक बात भाई के पास जाएंगे अपने हकों की लड़ाई के लिए और जारी रखेंगे। अभी मैं हमारे बीच में बहुत क्रांतिकारी ओम प्रकाश जी तो एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी वो है जो किसान सभा से है जो लगातार किसानों और कर्मचारियों की लड़ाई करते हैं उनसे मैं अनुरोध है एक मिनट अपनी बात रखें, समय काफी कम है। धन्यवाद आए, हमें उसी चीज के लिए बार बार सड़क पर आना पड़ता है। बहुत ही सम्मान के योग्य आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे किसान नेता पीएमसी जी, और उत्तर प्रदेश से आए हमारे साथी और हरियाणा से अलग अलग राज्यों के साथी अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन हमारे पास जो कहते हैं हम सरकारें बड़ी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ और भगवान के बाद होती है सरकार, भगवान ने बारिश कर दी या कुछ ओलावृष्टि हो गई तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग हमारा साथ दें, सरकार में हमारे चुने हुए नुमाइंदे वे अच्छे से गिरदावरी करें, किसानों को मुआवजा वितरित करें, क्योंकि किसानों को जीना है। रबी के बाद खरीफ की फसल आती है, खरीफ के बाद अब रबी की दोबारा खड़ी है, अगर फसल नहीं होंगे तो लोग खाएंगे। अभी आपने देखा पीछे यूक्रेन युद्ध के कारण इस देश को गेहूं का एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा, गेहूं की कमी जिस देश में गेहूं की कमी है और वहां किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि अगर सरकार ऐसी हालत करेगी तो किसान खेती छोड़ दे, जो ये अनाज जिससे ये ह्यूमैनिटी मानवता पशु पक्षी जानवर जिंदा है ये कभी कंप्यूटर से नहीं जिंदा रहे, इनको खाने के लिए अनाज चाहिए, वो अनाज किसान उत्पादन करता है और उसको उसका भाव मिलना ही चाहिए। उन्होंने क्षतिपूर्ति पोर्टल का भी डब्बा रखा है, अभी सूखा पड़ा हुआ है लेकिन उसकी गिरदावरी नहीं कर रहे, ये क्षतिपूर्ति पोर्टल बोरा मेरी योजना जागे रखना चाहते हैं। हरियाणा सरकार को कम से कम सेंटर से मांगना चाहिए था, आता हरियाणा बाढ़ से डूब गया, आते हरियाणा में सूखा पड़ा हुआ है, इसके लिए आप अन्नदाता हो, कहाँ है आप अन्नदाता, हम तो कर्जदार हैं, बैंकों में हमारी जमीन गिरवी गारंटी के लिए और अपनी अन्नदाता के लिए काम नहीं चलेगा, किसान को कर्जा मुक्त करना पड़ेगा, किसान को एमएसपी का कानून देना पड़ेगा, उसकी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। जब तक ये हमारे जो हमारा उत्पाद है हमें भाव पूरा नहीं मिलेगा तो हमें किसान का धंधा बनेगा। प्रधानमंत्री जी का कहना है, मुख्यमंत्री का नया किसानों का मुनाफे का काम करेंगे, कहाँ से बनेगा मुनाफा, आप लोगों को पता होगा खाद बिजली ने बताया मुख्यमंत्री है हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं थी करते नहीं, या भाइयों की मेहनत है जितने भी लाभ है तुम मेरे लोग बैठे गाँव के तो ये आपकी तरफ से गोर की दुकान बनवाने का काम करेंगे, आप प्रशासन का मल्टी वेटर दे दे या तो इतने समय के अंदर ये काम हो जाए, ये आने वाले समय के अंदर हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे और अपने हकों की तो मांग हम लेके रहेंगे। अभी हमारे बीच में हमारे संघर्ष के साथी भाई साहब रसोला जो है खरीदारी करता है तो उसको मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ जो है हमारे बीच में काम कर रहे हैं, एमएसपी तो ऐसी तो लागू होगी कैसे, कहाँ बस घोषित कर दी, बिक रही है वो आधे दामों पर, किसान लुट रहा बर्बाद हो रहा, ठीक है कुछ नहीं होगा, इसलिए आंदोलन हमें करने पड़ेंगे, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। दिल्ली भी करेंगे, संघर्ष हमने पहले भी किया, करेंगे हम एमएसपी लेके छोड़ेंगे, हमारा अधिकार है सरकार, इन्होंने दिल्ली के अंदर एमएसपी गांड का निकाय का अधिवेशन चलाया जो कोड़गांव के अंदर, उसमें हमें 1,000 रुपए थे इलेक्शन से पहले, इन्होंने 30,000 लोग जो है पूरे हिंदुस्तान से मार रखे थे, एक हफ्ते के लिए हमारा खाने पीने का बंदोबस्त अपने खर्चे पर किया और अभी दिल्ली रिटर्न बोर्ड और दिल्ली के अंदर मेरी हुई और उसके बाद भी वोटर पहुंचे और सरदार बीएम सिंह ने दोबारा से आपको याद दिलाना चाहता है 90,000 करोड़ रूपए जो हमारे पैसे किसानों के उत्तर प्रदेश है दिए जाए
और जैसे ऐसे जो किसान नेता का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे सिपाही हैं उनका दोबारा से निर्वाचन में अनुरोध करते हुए जो सरकार है सरदार भीम सिंह जी हम किसान उसे सरदार भीम सिंह जी ऐसे रोड़ों पर नहीं पड़े रहे सरदार भीम सिंह जी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष संभवता जी ने उन्होंने कहा है की आपने देखा होगा और स्वास्थ्य किसी दंगल के अंदर लगी हुई थी रोजगार की उन लोगों के लिए मेरा कहना है जो भरोसे में सुनने बैठे हैं और इसमें अपने इसका मोदी साहब ने एक पसीने की बूंद का भी योगदान हुआ अपने अमर हो जाएगा चिड़िया समुद्र से पानी लाके गिर रही थी और आपकी और अनेक आप इसको बुझा सकते हो जिसने चिड़िया ने बोला जिसने मेरा नाम क्रांतिकारी होगा सरदार भीम सिंह आए और हमारे गारंटी का कानून बनवा कर ही छोड़ देंगे पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे हमारी आने वाली नस्ल और फसल की जो है हमारे अब लड़ाई है वो लड़ेंगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे नहीं मरने देंगे और सामने तो जैसा कि अभी आपने सुना जो बड़े बड़े किसान नेता है उनका क्या कहना है और क्या मांगे है और आंदोलन जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है मांगे कब तक पूरी होगी ये ना किसान नेता जानते हैं और ना ही सरकार गाँव की नुमाइंदगी कर रहे हो हमारी बहनें नुमाइंदगी कर रही है